फिरोजाबाद थाना एका पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए कुख्यात गैंग के 04 बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध असलाह, कारतूस व पूर्व में पशु व्यापारी से की गई लूट का माल बरामद। पकड़े गए अभियुक्त एका में स्थित पेट्रोल पंप पर डालने वाले थे डकैती। इनके द्वारा डकैती हेतु एकत्रित किया गया था भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस। डकैती के समय बाधक बनने वाले व्यक्तियों की अवैध असलाहों से कर सकते थे हत्या। गैंग का सरगना संदीप उर्फ सिघम अंजनी थाना बिछवा जनपद मैनपुरी का है। गैंगस्टर गैंग के सदस्य हैं, कुख्यात, पूर्व में भी दे चुके हैं दर्जनों हत्या लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम। देखिए, ये 14 तारीख को 14/7 को एक पिकअप को लूटा गया था। ये 5 लोग थे उसको लूटने में, 2 मुखबरी में थे। ये 3 गिरफ्तार हैं लूटने वाले, 1 गिरफ्तार हैं मुखबरी वाले। इन लोगों ने ओवरटेक करके वो पशु व्यापारी बकरी खरीदता था, उसके 10,45,000 रुपये इन लोगों ने हैरियर गाड़ी से ओवरटेक करके लूट लिए थे। और इसमें हम लोग बहुत परेशान रहे, कम से कम सैकड़ों लोगों को मैंने परीक्षण किया इसमें अपराधियों का, तब जाके कि मुझे परीक्षण में सफलता मिली इसमें। और इनसे बरामद की हमारी 6 लाख रुपए बरामद हैं। अभी जो फरार हैं, 3 फरार हैं, उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए सबके हिस्से मिले थे, वो 4.5 लाख रुपए भी मिलने बाकी हैं। 6 लाख की बरामदगी है। गाड़ी अभी हमारी नहीं मिल पाई है, वो जिसके पास है मुझे पता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम गाड़ी भी बरामद कर लेंगे। इस तरह से बहुत सटीक खुलासा, विश्वास पैदा करने वाला खुलासा हुआ है। इसमें विशेष योगदान ये यशो रामगढ़ का, यशो एका का और हमारी सर्विलांस की टीम विक्रांत का, इन लड़कों ने बहुत मेहनत किया। इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करता हूँ इनके हौसला अफजाई के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि एक एक घटनाओं को हम लोग यहाँ खोलने में सफल होंगे। मैंने पूछा तुमने कैसे किया, कहना था इसका कि सर पैसा नंबर 2 का था, तो हमें ये सूचना थी कि इसकी रिपोर्टों नहीं कराएगा। इससे पहले एक घटना इसके साथ हुई थी, इसने रिपोर्ट नहीं कराया था, उस भरोसे इन्होंने कि क्राइम ब्रांच बन का बोलूंगा तो पैसा हमको दे देंगे, और ये रिपोर्ट कहीं नहीं कराएंगे क्योंकि नंबर 2 का पैसा है। इन ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास से 4 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और 11 अदद जिंदा कारतूस है। चोरी की मोटरसाइकिल 2 अदद है और व्यापारी का लूटा हुआ 6 लाख रुपये है।